दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं निहाल अहमद किसान गॉड फ्रॉम नालंदा बिहार से। ये देखिए हमारा 10,000 लीटर का ये पूरा टैंक है सीमेंटेड, और इसमें हम लोग अभी मछली पालन ने स्टार्ट किया है मांगुर। और ये देखिए अभी ये इसमें बच्चा डाला गया है, और ये देखिए जो आप वाइट वाइट दिख रहा है, ये देखिए जो वाइट वाइट आपको दिख रहा है, ये सारा अंडा दिया गया है इसको खाने के लिए। ये अभी इसका ब्रूडिंग का काम चल रहा है, और इसी में हम लोग इसको डेवलप करेंगे, मतलब बड़ा करेंगे, साइज़ करेंगे, इसको आधा केजी तक ले जाएंगे। और ये देखिए, ये देखिए बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं। ये अभी 5,000 बच्चा इसमें डाला गया है, ये देखिए सारे बच्चे। तो दोस्तों एक हमारा एक मिशन है कि कम जगह में कम पैसे में कैसे मछली पालन भी स्टार्ट किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास तालाब बनाने के लिए जगह नहीं है, लेकिन वो आदमी मछली पालन में इंटरेस्टेड है। तो इसीलिए ये अभी एक प्रैक्टिकल के तौर पे है, और जहाँ तक मेरा रिसर्च है और जहाँ तक मेरा ज्ञान है कि इसमें हम लोग अच्छा रिज़ल्ट लेंगे। तो इसीलिए मैं 1 इंची का बच्चा ही इसमें डाला हूँ, क्योंकि बड़ा डाल के उससे रिज़ल्ट लेना कोई बहादुरी वाली बात नहीं है, इसलिए मैंने छोटा बच्चा ही डाला हूँ, और छोटा बच्चा डाल के उससे मैं रिज़ल्ट लूँगा। ये देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अच्छा रिज़ल्ट आएगा। ये देखिए आपको दिखा रहा हूँ जूम करके, ये देखिए ये जो है मैंने इसे मुर्गी का अंडा दिया है उबाल का, वाइट वाला पोर्शन, और ये देखिए सभी खा रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर नॉन वेज पसंद करता है मांगुर, तो इसीलिए इसको दिया गया है। अभी 10-15 दिन तक ऐसे ही चलेगा, फिर हम धीरे धीरे इसका जो भी डाइट्स वगैरह है उसको बढ़ाएंगे, और देखिए धीरे धीरे आपको अपडेट करते रहेंगे इसका क्या इसका ग्रोथ है क्या है। तो इस तरीके से ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये हमारा मुर्गियों और बकत का ब्रूडिंग का सेक्शन है, यहाँ मुर्गी और बकत का भी ब्रूडिंग किया जाता है, और इसीलिए इसको एक बनाया है। हमारा 10,000 लीटर का टैंक है, और ये देखते हैं ये इसका आउटलेट है, जब भी पानी खाली करना होगा तो इसके थ्रू हम निकाल देंगे, और बस एक प्रयोग है, और इंशाल्लाह हम अपने प्रयोग में सफल रहेंगे। और ये हमारा देखिए बकत और मुर्गी के बच्चे का यहाँ पे ब्रूडिंग होता है, और फिर जो लोग को चाहिए वहाँ चला जाता है। अभी ये खाली, अभी इसमें बच्चा नहीं है, बस कुछ दिन में आने वाला है। और